मेरा सौभाग्य है कि उड़ीसा की इस पवित्र धरती पर मैं जनता के दर्शन करने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। आज मैं जगत सिंहपुर जाऊंगा, वहां हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लेकर मैं कटक आऊंगा, जहां लोकसभा चुनाव के लिए संचालन समिति की बैठक हम करेंगे, लोकसभा चुनाव की हम तैयारी करेंगे। बीच में मैं वृक्षारोपण का के कार्यक्रम में भी भाग लूँगा, क्योंकि मैं रोज़ पेड़ लगाता हूँ। कार्यकर्ता के घर भी जाऊँगा, भोजन करूँगा और रास्ते में लोगों से गपशप भी करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। आज़ादी के अमृतकाल में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और इस पूरे लक्ष्य को, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए फिर तीसरी बार मोदी सरकार बने, इस काम में हम लगे हुए हैं। चारों तरफ उत्साह का वातावरण है। उड़ीसा में दोनों चुनाव एक साथ, लोकसभा के चुनाव भी और विधानसभा के चुनाव भी। अब यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन पटनायक जी अपनी सरकार को आउटसोर्स पर दे चुके हैं, वे सरकार नहीं चलाते, उनके अधिकारी सरकार चलाते हैं। उनके बारे में तो ये कहावत सही होती है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, वो कभी सरकार चलाते नहीं। और वे लगाम अधिकारियों ने पूरे उड़ीसा को भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा दिया है। यहाँ करप्शन है, बिना लिए दिए कुछ होता नहीं है। माताएं, बहनें, बेटियां यहाँ असुरक्षित हैं। महिलाओं पर अत्याचार के मामले में उड़ीसा को शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया गया है और केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा के विकास के लिए जो पैसा दिया है, उन योजनाओं को ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक के पैसा मोदी जी भेजते हैं और ठप्पा नवीन बाबू लगा देते हैं योजना पर, रीब्रांडिंग का काम करके खुद के नाम को चमकाने की कोशिश करते हैं। जनता इस सच को जान चुकी है और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, लोकसभा के चुनाव में पिछली बार भी हमने 8 सीटें प्राप्त की थी, 86% से ज़्यादा लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्यार करते हैं, उड़ीसा में चाहते हैं, उनके साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि भारी बहुमत से हम लोकसभा के चुनाव भी जीतेंगे और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत, भारी बहुमत प्राप्त करके अपनी सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश में लाडली बहना एक गेम चेंजर था, इससे बोला जा रहा है कि उड़ीसा में बीजेपी का वुमेन वोट बैंक जो एसएचजी है, तो उसे कैसे पकड़ेंगे? अब मुझे तो बड़ा गजब लगता है जो विज्ञापन दे रहे हैं, विज्ञापन है केवल, वो कहते हैं ये मर गया, इसको लाभ मिल गया, पता चला वो जिंदा है। ये तो मैंने कहीं नहीं देखा, उड़ीसा ही में देख रहा हूँ। एसएचजी के बारे में केवल प्रचार हो रहा है। जिस बहन के बारे में कहा जाता है कि इसको एसएचजी की योजनाओं के कारण लाभ मिला, वो कहती है तो मेरा खुद का पैसा लगा है। तो नवीन बाबू के अधिकारी केवल ब्रांडिंग कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, इसलिए कोई असर नहीं पड़ेगा। सर, आपकी पार्टी पे एलिगेशन लगता, धन्यवाद, सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है बीजेडी के साथ, तो क्या इस बार सीरियसली चुनाव लड़ेंगे आप? पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी।